वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं, ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती कार्यक्रम में अखिलेश चौधरी यशपाल ने हमेशा किसानों की मदद की, चौधरी यशपाल हमारे लिए प्रेरणा रहे हैं। खबर फतेहपुर से है, लद्दाख में रेड ईगल डिवीजन में तैनात सेना के जवान राजेश कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। खबर बुलंदशहर से है, यूपी के बुलंदशहर में 2022 के चुनाव को लेकर वोट तंत्र से पहले शुरू हुआ नोट तंत्र का खेल, डिबाई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के ताल ठोक रहे सपा पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का नोट बांटते हुए वीडियो हुआ वायरल। खबर कानपुर से, गोरखपुर में पुलिस के पिटाई से मारे गए कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी को सरकार ने कानपुर विकास प्राधिकरण में OSD पद पर मिली नियुक्ति। KDA के अतिरिक्त सचिव गुडा के शर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने मीनाक्षी के घर पहुंचकर आज उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। मंगलवार को KDA में OSD पद पर ज्वाइन करेंगी मीनाक्षी। खबर बिजनौर से है, जनपद बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात में दुकान बंद कर अपने घर जा रहे व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की बाट मार कर घायल कर 2,40,000 रुपए लूट कर फरार हुए। खबर रायबरेली से, बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड पर स्थित SJS पब्लिक स्कूल के पास की घटना। और अगली खबर लखनऊ से है, त्योहारी सीजन के बीच प्रदेश में बिजली संकट, कोयले की कमी से बिजली परियोजना पर संकट। बिजली परियोजना को लेकर CM ने लिखा पत्र, CM योगी आदित्यनाथ ने PM को लिखा पत्र, गांव में 18 घंटे की बजाय 11 घंटे दी जा रही है बिजली, तहसीलों को 21 घंटे की बजाय 17 घंटे बिजली, बुंदेलखंड को 30 घंटे की बजाय 14 घंटे बिजली। यूपी में बिजली की मांग 17,000 मेगावाट के आसपास है। खबर वाराणसी से, प्रियंका गांधी के किसान न्याय रैली की तैयारियां पूरी, रोहनिया विधानसभा के जगतपुर में रैली, इससे पहले प्रियंका गांधी विश्वनाथ धाम व कुष्मांडा देवी के दर्शन पर लंका क्षेत्र पर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगी। लखीमपुर हिंसा में जुड़ी बहुत बड़ी खबर, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, तो नॉन कॉपरेशन इवेजिव रिप्लाई इन सब काउंट पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टडी लेकर आगे करेंगे। सर, व्हाई हैज इट टेकन यू 5 days एंड 12 आवर्स टू अरेस्ट अ मर्डर अक्यूज्ड। खबर लखनऊ से, आज कई दलों ने नेता BJP में हो सकते हैं शामिल, यूपी BJP अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिलाएंगे सदस्यता, पूर्व विधायक मंत्री भी हो सकते हैं BJP में शामिल। खबर इटावा से, युवक युवती ने फांसी लगाकर दी जान, प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। खबर रायबरेली से, पानी के बहाव को लेकर मामूली विवाद में दबंगों ने की मारपीट, बच्चों महिलाओं समेत लोगों को पीटा, दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर की पिटाई, मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल, डलमो कोतवाली के मजरे सोंडासी की घटना। खबर प्रतापगढ़ से है, राजा भैया का नाम कर रहे हैं शराफ माफिया बदनाम, देखना है कि आबकारी विभाग करती है कोई कार्रवाई या राजा भैया ऐसे ही होंगे बदनाम। आबकारी अधिकारियों के आदेश के बावजूद महुली वार्ड में बियर की दुकान पर बिक रहा प्रिंट रेट से 10 रुपए अधिक पर बियर, फिर भी आबकारी विभाग बना मौन। खबर गोंडा से, विकास भवन में लाखों की चोरी, विकास भवन से 8 लाख ले गए चोर, निर्वाचन कार्यालय के नगरीय विकास में चोरी रहस्यमय ढंग से, पहले उड़ाई अलमारी की चाबी, फिर अलमारी खोल उड़ाया चेस्ट में रखा पैसा, अलमारी में रखा था मत पेटिकाओं की बिक्री का पैसा। दबंगों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष की हत्या का किया प्रयास, भाजपा नेता ने भाग कर बचाई जान, दबंगों ने भाले से किया था हमला, दिल्ली प्रदेश में जिला उपाध्यक्ष पद है भाजपा नेता, उनके सहयोग से सार्वजनिक नाली पर दबंगों द्वारा किए हुए अतिक्रमण को ग्राम प्रधान की मदद से करवाया जा रहा था खाली, दबंगों पर पहले ही दर्ज है हत्या के प्रयास सहित अन्य कई केस, तरफगंज थाने के रानीपुर के छिटूपुरवा का मामला।
एक नमकीन कंपनी के डीलरों ने कंपनी के खिलाफ फ्रॉड करने का आरोप लगाया। यही नहीं, नमकीन कंपनी के साथ काम कर रहे डीलरों व उनके कर्मचारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की मांग भी की। खबर वाराणसी से है। किसान न्याय रैली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार ये कहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं न्याय चाहिए। खबर जम्मू कश्मीर से, ये हत्याएं बहुत ही निंदनीय हैं। पिछले 6 महीने 1 साल में सकारात्मक दिशा में बहुत गतिविधियां हो रही हैं। जब सकारात्मक दिशा में गतिविधियां होंगी तो जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनके दिल में जलन होती है। कश्मीर घाटी में हुई हत्याओं पर बोले डीपी पांडे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि अगले 4 से 5 महीने में उनकी सरकार बनने जा रही है। गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप हो और सरकार उसे बचा रही है तो जांच कैसे होगी। फतेहपुर जनपद के ललोली चौराहे के समीप रविवार की सुबह संदिग्ध अवस्था में एक अज्ञात अधेड़ का शव मिला तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जीवित रहने की आशा में उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर कानपुर चौबेपुर से है। दर्जनों पशुओं को चोरी छुपे ले जाकर कंटेनर ग्रामीणों ने पकड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर सभी गोवंशों को भिजवाया गौशाला। चौबेपुर थाना क्षेत्र के दिलीप नगर का मामला। देवरिया में संजय निषाद को दिखाया गया काला झंडा। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की युवक की पिटाई। रुद्रपुर के राम लक्ष्मण चौराहे का मामला। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।